जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज हाउ टू बिकम डॉक्टर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फ्रेंड्स, कई मेडिकल एस्पिरेंट्स अपनी कंट्री को डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं। अपनी नोबल सर्विस को इम्पार्ट करने के साथ साथ वो स्पेशल यूनिफॉर्म को भी पहनना चाहते हैं। ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए फोर्सेज में डॉक्टर बनने का एक अच्छा ऑप्शन है। आर्म्ड फोर्सेज में डॉक्टर्स को प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ भी मिलती है। इससे इनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। एक अट्रैक्टिव पे एंड पर्क के साथ आर्म्ड फोर्सेज आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड करता है। सो एज अ डॉक्टर, फौज ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज द वेरी फेमस AFMC, दैट इज आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज पुणे में स्थित है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में डॉक्टर बनने का ये बेस्ट ऑप्शन है। इस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 50% कैंडिडेट्स को परमानेंट कमीशन मिलती है। वही रिमेनिंग 50% को शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसकी ड्यूरेशन 7 years है, विच इज एक्सटेंडेबल टू नेक्स्ट 7 years। ये मेडिकल कॉलेज आपको नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मिलता है, जिसके लिए आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नीट के मार्क्स के बेसिस पे कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर दोनों स्टेजेस के मार्क्स को ऐड करके 4 से डिवाइड किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कोड आपका एंट्रेंस AFMC में होगा। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड वे की, विच इज आर्मी मेडिकल कोर। इसमें आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर इस एंट्री का नोटिफिकेशन आता है, सो यू कैन कीप चेकिंग इट सो दैट यू डोंट मिस इट। इस एंट्री की एज लिमिट 45 years है। इस एंट्री में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आर्मी मेडिकल कोर कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली। फ्रेंड्स, थर्ड वे इज RVC, विच इज रिमाउंट वेटरनरी कोर। इस एंट्री की एज लिमिट है 21 to 32 years और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इस एंट्री की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज टू हैव डिग्री ऑफ BVSC एंड AH फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। इस एंट्री के फॉर्म्स आर्म्ड फोर्सेस की वेबसाइट पर आते हैं, जिसे एप्लीकेंट्स प्रिंट करके फिल करके फॉर्म पे मेंशन्ड एड्रेस पे सेंड करेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग RVC सेंटर मेरठ कैंट में कम्प्लीट होगी। सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होने पे मिनिमम 5 years की सर्विस के बाद ही सर्विस एक्सटेंड की जाएगी। इसके अलावा आप आर्मी डेंटल कोर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें तीनों फोर्सेस की डेंटल ब्रांचेस शामिल हैं। आर्मी डेंटल कोर में BDS का एज लिमिट 28 years है और MDS में 30 years इज द एज लिमिट। फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिफरेंट एंट्रीज बाय विच यू कैन बिकम डॉक्टर इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।